वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है, हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्षरत रहेगा। जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये, किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है, 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन रुक जाइए दो मिनट, ये आंदोलन चलेगा पर इस रूप में नहीं चलेगा मेरे साथ। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की, इसका जो है ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई, रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? धान का रेट की वो बात करी, किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन, पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहाँ पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बात है। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, अगले आंदोलन में जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में हमें, मुझे देखना है चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया, ये काम नहीं है।